हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट 2021 को लेकर। अगर रिट के प्रमाण पत्रों की वैधता लाइफ टाइम होती है तो अगर दो एग्ज़ाम होंगे तो उसके फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कल, जिसमें एक एग्ज़ाम होने के फ़ायदे और नुकसान की लेकर हमने चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। इसके अलावा आप चैनल पे वीडियोस पे भी जाके देख सकते हैं, कल का ही वीडियो है, उसके बाद यही वीडियो मैं डाल रहा हूँ चैनल पर। तो दोस्तों, अगर दो एग्ज़ाम होते हैं तो सबसे पहले आपका भी मन में ये विचार आ रहा होगा कि दो एग्ज़ाम होंगे तो हो सकता है कि 2013-2011 में जो भर्ती हुई थी वही पैटर्न आपको इस बार भी देखने को मिले। तो 2013 वाले पैटर्न की भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या पैटर्न था, कितने क्वेश्चन आते थे, सब्जेक्ट के कितने थे, जीके के कितने थे और नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, क्योंकि लेवल फर्स्ट वाले बच्चों का कमेंट आ रहा था कि लेवल फर्स्ट में एक ही पेपर होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों अगर दो पेपर होंगे तो लेवल फर्स्ट में भी होंगे और लेवल सेकंड में भी होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एकदम नए के बराबर संभावना है कि लेवल फर्स्ट में एक पेपर हो जाए और लेवल सेकंड में दो पेपर हो जाए। अगर दो पेपर होंगे तो दोनों जगह होंगे, वरना एक ही पेपर होगा। तो ये वीडियो आपके लिए एकदम फायदेमंद रहने वाला है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, 2013 की बात इसलिए कर रहे हैं, आप संविधान की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप सबको पता है कि 1935 का अधिनियम, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था संविधान को, क्योंकि लगभग बातें वहीं से ली गई थी संविधान में। तो वही इस प्रकार अगर दो एग्ज़ाम होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा 2011 और 13 वाला पैटर्न, की उसी प्रकार आपको इस पर की एग्ज़ाम वो देखने को मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों उस टाइम भी मुख्यमंत्री गहलोत जी थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो दोस्तों जो पैटर्न था पहले का, हो सकता है अगर दो एग्ज़ाम हो तो वही पैटर्न इस बार भी लागू हो। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि तो दोस्तों की दो एग्ज़ाम होंगे तो फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो दोस्तों, फ़ायदा मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है, समय बर्बादी के अलावा ये भी आपके लिए नुकसान है। तो फ़ायदा मैं बताऊं तो कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि सब एक जगह हो जाएंगे, सबकी नई एग्ज़ाम से नई ज्वाइनिंग मिलेगी। मतलब 2018, 2016, 2011, 2012 सब जो पहले के एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे उनके 120 नंबर हैं, चाहे 135 हैं, चाहे 100 हैं, चाहे 82 हैं, चाहे 88 हैं, कितने भी नंबर हों सब बराबर हो जाएंगे, कोई रिपीट नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र से एक नौकरी लगने वाला है। तो ये आपके लिए फ़ायदा है। और नुकसान दोस्तों बहुत ज़्यादा है, ये मान लीजिए कि नुकसान है 99 और फ़ायदा है सिर्फ एक। फ़ायदा इतना ही है कि जो मान लीजिए कि 10% या 20%, कल हमने बात की थी, लगभग 1500 अगर बच्चे रिपीट होते हैं तो वो एक, अगर दो एग्ज़ाम होते हैं तो वो रिपीट नहीं होंगे और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल वो समान होगा। मान लीजिए 2018 वाला पेपर इजी है या हार्ड आया था और 2021 में पेपर इजी आ जाए या हार्ड आ जाए तो सब बराबर हो जाएंगे। मतलब तो ये एक पेपर वाला फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके अलावा सब बराबर हो जाएंगे, सबको नई एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, उसी से ज्वाइनिंग होगी। तो ये पेपर, मतलब इतना ही फ़ायदा है। तो फ़ायदा तो है एक और नुकसान है दोस्तों 99, तो 99% नुकसान है। अब नुकसान की बात करते हैं दोस्तों कि दो पेपर होंगे तो नुकसान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसान तो ये है कि जो आपने अभी तैयारी की है, मतलब अभी जो 2 साल हो गए लगभग, शायद सबसे पहले जो कोचिंगों में बैचों की हम बात करें तो रीट के बैच है वो दोस्तों शायद अप्रैल 2019 से शुरू हुए थे, तो लगभग 2 साल बीत चुके हैं, रीट का नाम लेकर 2 साल बीत चुके हैं। तो लगभग बच्चे हैं दोस्तों कोचिंगों में लगभग एक एक कोर्स या दो दो कोर्स, आप सबको पता है कि अभी तो डिजिटल ज़माना है कोरोना की वजह से, तो लगभग हर जगह बच्चों ने पहले ऑफलाइन कोचिंग की, इसके बाद हर ने या तो उत्कर्ष क्लास, मान लो कोई भी कोचिंग क्लासेज, मैं क्यों नाम ले रहा हूँ किसी का, कोई भी कोचिंग क्लासेज चाहे उत्कर्ष हो या ये कलाम हो या और कोई कोचिंग, ऑनलाइन सब ने कोर्स ले रखा है। तो आप समझ सकते हैं उन कोर्सेज का कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत फ़र्क है दोस्तों। 2013 वाला पैटर्न भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो आप देखेंगे 2013 और 2000 ये जो करंट में चल रही ये एग्ज़ाम, जैसे रीट की बात करें तो इनके सिलेबस में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आपके ये 2 साल एकदम से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जगह आप और किसी चीज़ की तैयारी में लगा सकते थे इन 2 सालों को। क्योंकि रीट के अंदर आपको अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स ही चाहिए तो आपको इतना ज़्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे ही 82 नंबर तो ला सकते हैं, इतना आपको ज्ञान है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो दोस्तों आपका समय है, वो 2 साल लगभग बीत चुके हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर दो एग्ज़ाम होती हैं तो दोस्तों अगर एकदम जल्दी से जल्दी करें तो भी अगले साल अक्टूबर नवंबर से पहले दोस्तों दूसरी एग्ज़ाम शायद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, सबसे पहले हम इस वीडियो में ही ये बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि RTET या रिट जो अभी मान लीजिए सिर्फ पासिंग होगी, फिर इसकी एग्ज़ाम सिर्फ आपको पास करना है, तो ये एग्ज़ाम मान लीजिए हम सबसे कम समय में माने तो मान लीजिए सितंबर में एग्ज़ाम होती है, तो सितंबर में एग्ज़ाम होगी दोस्तों, लगभग अक्टूबर के अंदर आंसर की आएगी, उसके बाद दोस्तों आपत्ति मानी जाएंगी, फिर फाइनल आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट आएगा, तो लगभग 3 से 4 महीने बीत जाएंगे दोस्तों।
ये भी बोर्ड है बहुत जल्दी से रिजल्ट जारी करता है, तो कम से कम टाइम लेगा। तो भी अगर सितंबर में एग्जाम होती है तो दोस्तों जनवरी में रिजल्ट आएगा, लगभग जनवरी से पहले रिजल्ट आने की संभावना बहुत ही कम है दोस्तों अगर सितंबर में एग्जाम होती है। और एग्जाम का अभी फिक्स नहीं है, सितंबर में होगी, अक्टूबर में होगी, नवंबर में होगी, तो दोस्तों जब भी एग्जाम होगी उसके 3 महीने बाद आप रिजल्ट की सोच सकते हैं, रीट या आरटेट के। उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट आप सबको पता है कि इतनी ज़्यादा जल्दी बिल्कुल नहीं करेगी, अगर जल्दीबाजी करती तो कब का रेट का एग्ज़ाम हो चुका होता, तो आराम से करेगी। तो उसके बाद दोस्तों वापस से संशोधन करने पड़ेंगे, संशोधन आप सबको पता है कि 70-30 से 90-10 करने में इनको लगभग 12 महीने का समय बीत चुका है, तो वापस से इस सब को कैंसिल करके रेट को सिर्फ आप लाइफ टाइम वैधता करेंगे और ये सिर्फ प्रमाण पत्र रहेगा। उसके बाद आपको वापस से थर्ड ग्रेड की पंचायती राज से करवाते हैं एग्ज़ाम या फिर आरपीएससी करवाएगी, तो वो भी अभी पता नहीं है। तो इन सब चीज़ों में दोस्तों संशोधन करने में टाइम लगेगा, तो लगभग इतने दिनों में अगर जनवरी फरवरी तक ये काम हो जाते हैं तो फिर दोस्तों आपके वापस से विज्ञप्ति निकलेगी थर्ड ग्रेड की, वापस से फॉर्म फिल होंगे, तो लगभग 1-1.5 महीने का फॉर्म का टाइम दिया जाएगा और उसके 2 महीने या 3 महीने बाद एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों इतने में हो जाएगी, वापस से मार्च या अप्रैल का टाइम आ जाएगा। मार्च अप्रैल में आप सबको पता है कि मार्च से लेकर लगभग जून तक तो वैसे ही एग्ज़ाम नहीं हो सकती, मार्च में 10th और 12th के एग्ज़ाम होते हैं, मार्च अप्रैल मई जून ये 4 महीने दोस्तों 10th 12th कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए रिजर्व रहते हैं। लगभग कोई भी एग्ज़ाम हो वो इन महीनों में शायद नहीं होती, और जिसमें लगभग 10-15 लाख फॉर्म भरते हैं वो एग्ज़ाम तो बिल्कुल भी इन 3-4 महीनों में बिल्कुल नहीं होगी। तो वापस से आ जाती है दोस्तों जुलाई, और जुलाई अगस्त के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकती है दोस्तों। नवंबर मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, शायद जुलाई अगस्त से पहले दूसरी एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगी, वो भी एकदम से जल्दीबाजी करे गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को नौकरी देने से मतलब है और नौकरी देना चाहिए तब जल्दीबाजी करे, तब भी जुलाई 2022 से पहले दूसरी एग्ज़ाम वो बिल्कुल नहीं होगी। तो सबसे बड़ा घाटा तो ये है कि दोस्तों 2 साल आपको बीत चुके हैं और लगभग 12 महीने और 1.5 साल और लगने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे हम नुकसान की बात करें तो वापस से दोस्तों सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड ये दोनों भर्तियाँ आने वाली हैं। तो जो 2013 में हुआ था बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ या आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने मान लीजिए रीट को चुना या फिर सेकंड ग्रेड को चुना या फिर फर्स्ट ग्रेड को चुना, तो वापस से आपके सामने वही स्थिति हो जाएगी, तीनों भर्तियाँ टीचर्स वाली वापस से एक साथ हो जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड है आपको लगभग शायद दीपावली तक आराम से देखने को मिल जाएगी फर्स्ट ग्रेड, और अगले साल बजट से पहले जनवरी फरवरी तक लेट करें तो भी जनवरी फरवरी तक सेकंड ग्रेड भी आपको लगभग 9000 वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी और फर्स्ट ग्रेड की लगभग 5000 वैकेंसी। तो वापस से तीनों भर्तियां वो एक साथ हो जाएंगी, फिर आपके मन में ऐसा द्वंद्व आएगा कि यार मैं सेकंड की करूँ, फर्स्ट की करूँ या रेट की करूँ, क्योंकि रेट आप पहले 3 साल दे चुके हैं तो आप रेट को छोड़ नहीं सकते, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आपके मन में होगा कि यार मैं इसकी भी तैयारी कर सकता हूँ। तो वापस से एक बड़ा नुकसान ये हो जाएगा कि आप एक टाइम में सिर्फ एक ही वैकेंसी को चुन सकेंगे, 2 वैकेंसी आपके ऐसे ही निकल जाएंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान ये भी होगा। तो दोस्तों ये 2 मेजर नुकसान थे। आप तीसरे नुकसान की हम बात करते हैं 2013 वाले पैटर्न में, तो आप देखेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों रेट और 2013 वाले पैटर्न में। ये देखिए दोस्तों आपके सामने पूरा मैंने परफॉर्मा जो ऑफिशियल है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड दोनों की इसमें बात की गई है। इसमें दोस्तों लगभग 200% आते थे, ये देखिए परीक्षा के पूर्णांक 200 होंगे, मतलब 200% आते थे और 2 घंटे का ये आपको टाइम मिलता था। तो सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट की, आपके सामने अभी तक आपकी तैयारी जैसी भी चल रही थी 1 मिनट में आपको 1% करना होता था, और नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों नहीं होती थी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है उत्तरों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन लागू होगा, लगभग 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये भी बात है, इसके अलावा 2 घंटे में 200%, तो ये बहुत ही आपके सामने एकदम से दुविधा हो जाएगी कि यहाँ पर आपको 1 मिनट में 1% करना होता है, वहाँ पर आपको 1 मिनट में दोस्तों 1 मिनट मिलेगी नहीं, लगभग 1 मिनट में तो आपको लगभग 1.5% या 2 मिनट में 3% करने पड़ेंगे तभी आपका पेपर पूरा होगा, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है तो आप एकदम जल्दबाजी या तुक्के भी नहीं लगा सकेंगे। तो ये आपके सामने बहुत ज़्यादा नुकसान है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिलेबस है वो क्या होता था, मतलब किस प्रकार क्वेश्चन आते थे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, पहले कक्षा 1 से 5 के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ से सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय, मतलब सामयिक विषय मतलब करंट भी आने की संभावना है दोस्तों। यहाँ पर 60 अंक का दोस्तों लगभग 60% आएंगे। ये देखिए राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ में, जो अब नहीं आता है, करंट में दोस्तों EVS आता है लेकिन राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ में नहीं आता है। राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 60 नंबर का ये आएगा। तो दोस्तों GK मेजर पार्ट हो जाएगा, लगभग 120 नंबर के GK आएगा। इसके अलावा दोस्तों शैक्षणिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 7 नंबर की साइकोलॉजी भी आती है, हिंदी 7 नंबर की आएगी, अंग्रेजी भी 7 नंबर की आएगी, गणित भी 7 नंबर की आएगी, सामान्य विज्ञान भी 7 नंबर की आएगी और सामाजिक विज्ञान भी 7 नंबर की आएगी। तो मतलब
सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा साथ साथ नंबर के लिए। अब करंट में आप दो लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी या अंग्रेजी या हिंदी या संस्कृत, लेकिन आपको ये लेने ही पड़ेंगे। यहाँ पर आपके सामने संस्कृत चूज नहीं होगा, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों आएंगी। अब आप अपने मन के हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। आपको इंग्लिश आ रही है तो इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत लेनी है तो संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, शायद 10-15 भाषाएं हैं, सभी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यही लेना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसके हिसाब से भी दोस्तों इतने इतने क्वेश्चन और आएंगे। 7% हिंदी के वापस से आएंगे, अंग्रेजी के 7% आएंगे, गणित के 8% आएंगे, और सामाजिक सामान्य विज्ञान मतलब साइंस के 8% आएंगे, और सामाजिक अध्ययन इसके भी 8% आएंगे। इस प्रकार 200 अंक के दोस्तों प्रश्न आते हैं, और आपने देखा होगा 200 में से लगभग 120 नंबर सामान्य ज्ञान और करंट नॉलेज, तो बहुत मेजर पार्ट है दोस्तों, एकदम जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा आपके सामने। समझ नहीं आएगा कि यार मैंने 2 साल क्या पढ़ा और आएगा क्या एग्ज़ाम में। तो एकदम से अभी ही आपके पास टाइम है, गवर्नमेंट के ऊपर आप प्रेशर बने, मैं तो यही कहूँगा ट्विटर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, एक एग्ज़ाम के लिए आप ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें कि मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी दोनों को ट्वीट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनके ऊपर प्रेशर बने और एक ही एग्ज़ाम इस बार तो कम से कम हो। आगे देखा जाएगा कितने एग्ज़ाम करते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसके अलावा आपकी जो अभी तक आपने 2 साल तैयारी में दिए हैं वो भी एकदम से व्यर्थ चले जाएंगे, क्योंकि आपने देखा है बहुत ही ज़्यादा फर्क है दोस्तों सिलेबस के अंदर। इसके अलावा आपका कठिनाई स्तर है वो माध्यमिक स्तर का होगा, मतलब 10वीं तक के प्रश्न आ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लेवल सेकंड में क्या सिलेबस था उस टाइम, तो ये देखिए लेवल सेकंड में है राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं 20 नंबर की, राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 20 नंबर का। तो दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये आप छोड़ नहीं सकते कि आप भौगोलिक विभाजन में आपको परिवहन सब कुछ पढ़ना पड़ेगा राजस्थान के प्रति। तो आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री के ही लगभग 200-300 पेज हो जाते हैं, और लगभग 2-3 महीने में आपको राजस्थान की हिस्ट्री क्लियर नहीं हो सकती। तो आपको ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, क्लास एंस करती है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, जो एकदम से मेजर पार्ट हो जाएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान तो 20 नंबर की आपको साइकोलॉजी भी आएगी, बाल मनोविज्ञान 20 नंबर की आएगी दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट जो अभी हम पढ़ते हैं तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों विद्यालय विषय, यहाँ पर मुझे अभी भी कन्फ्यूज़ है कि विद्यालय विषय में ये है कि इसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले 120 नंबर का विद्यालय विषय, विद्यालय विषय में दोस्तों मेरे को अभी ये कन्फर्म पता नहीं है कि हिंदी वाला सिर्फ हिंदी की एग्ज़ाम दे सकता है लेवल सेकेंड में, ऐसा भी सुनने में आया, लेकिन कन्फर्म करके मैं आपको बता दूंगा 2013 में पैटर्न क्या था, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय विषय लिखा है। इसका मतलब ये है कि हिंदी से अगर आप दे रहे हैं तो आपको हिंदी के ही प्रश्न आएंगे 120, आप SST से दे रहे हैं तो SST के ही 120 प्रश्न आएंगे, साइंस मैथ वाले के साइंस और मैथ दोनों के 7-7 प्रश्न आ जाएंगे, और अगर कोई संस्कृत का ही दे रहा है तो संस्कृत के ही 120 प्रश्न आएंगे, शायद यही मतलब है इसका। फिर भी अगर आपके सामने कोई है या आपने खुद ने एग्ज़ाम दिया है 2013 की, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि दूसरों को भी पता लग जाए कि यहाँ पर ये मतलब क्या है इसका। क्योंकि आपने देखा होगा रेट के अंदर लगभग सिलेबस सेम रहता है, विद्यालय विशेष मतलब रेट के अंदर तो ये होता है कि आप चाहे हिंदी से दे रहे हैं या अंग्रेजी से दे रहे हैं या फिर संस्कृत या किसी भी लैंग्वेज से दे रहे हैं, अगर आपके सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान के ही 60% आते हैं, लेकिन यहाँ पर विद्यालय विषय लिखा है। विद्यालय विषय का मतलब शायद ये है कि आप चाहे SST से देंगे तो आपको 120% SST के देखने को मिलेंगे, अगर आप हिंदी से दे रहे हैं तो 120% वो हिंदी के आएंगे, संस्कृत के दे रहे हैं तो संस्कृत के आएंगे। तो आप मतलब जो अभी आपको फ़ायदा मिल रहा है कि आप SST से दे रहे हैं और साथ में आपका हिंदी में भी सिलेक्शन हो सकता है और SST में भी हो सकता है, मतलब एक ही एक साथ आपको 2-2, 3-3 लैंग्वेज से सिलेक्शन होने का मौका मिलता है, लेकिन जो अगर दो पैटर्न ये दो एग्ज़ाम वाला पैटर्न लागू होता है तो आप एक ही लैंग्वेज से फॉर्म भर जाएंगे, मतलब हिंदी से हैं तो हिंदी की दे पाएंगे, संस्कृत हैं तो संस्कृत से लगेंगे, आप सामाजिक में नहीं लग सकते। तो ये भी आपके लिए एक नुकसानदायक बात है जिसके SST सब्जेक्ट है। और दोस्तों प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर वो 12वीं तक का होगा, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, तो आपके सामने मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर दो एग्ज़ाम होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है मेरे हिसाब से, तो गवर्नमेंट को एकदम बीच का रास्ता निकालना चाहिए, शायद एक एग्ज़ाम करवाए और एक प्रमाण पत्र से एक नौकरी लगे, तो इससे थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। एक तो 3-4 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगी, दूसरा दोस्तों आप देख सकते हैं सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है, कोई कह रहा है आपको गुमराह कर रहा है कि दो एग्ज़ाम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो दोस्तों उनको सिलेबस दिखाएं, अगर दो एग्ज़ाम हो जाएगी तो आप सिलेक्शन करवाओगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो जो पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, 2 साल आपने दिए वो बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ नया आने वाला है। 20-20 नंबर के लिए आपको राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ेगा, 20 नंबर के लिए आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी बाल मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, इसके लिए आपके सामने सबसे मेजर मतलब मेरे हिसाब से घाटा ये हो जाएगा। आप वर्तमान में हिंदी संस्कृत के साथ सामाजिक में भी सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही दो एग्ज़ाम होंगे तो आप हिंदी से ही सिलेक्ट हो पाओगे, आप सामाजिक से नहीं सिलेक्ट हो सकते, या फिर मान लीजिए आप सामाजिक से सिलेक्ट होते हैं तो आप हिंदी में नहीं हो सकते, क्योंकि आपको एक विद्यालय विषय वो चूज करना पड़ेगा, तो आपके सामने सिर्फ चॉइस एक ही होगी, दो नहीं होंगी। इसके अलावा दोस्तों हमने बात कर ली है कि दो एग्ज़ाम होते हैं तो पंचायती राज करवाता है, तो दोस्तों वहाँ पर एक और घाटा ये हो जाएगा आपके कि आप एक ही डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम दे पाएंगे,
और एक उस डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कि जितने भी पोस्ट हैं, अगर 70 पोस्ट हैं तो आप 70 पोस्टों पर ही आपकी पूरा मतलब कंपटीशन होगा, और मान लीजिए 1000 हैं तो 1000 पे ही कंपटीशन होगा। वर्तमान में आपको पूरी 42000 पोस्ट हैं वो देखने को मिलेंगी, 42000 पर आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे पाओगे, मतलब जितने आपके सब्जेक्ट में पोस्टें आई हैं उन सभी पर आप लड़ाई कर पाओगे। वरना दोस्तों अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाएंगी तो वैकेंसी बढ़ जाएंगी, कभी किसी जगह 60 आएंगे, किसी जगह 50 आएंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान है वो होने वाला है। तो मेरी नज़र में दोस्तों एक एग्ज़ाम हो वो फ़ायदा है, एक प्रमाण पत्र से एक नौकरी लगे, इससे आपकी 2 साल की मेहनत है वो बर्बाद नहीं होगी। वरना दोस्तों सब कुछ चौपट हो जाएगा और कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो मेरा यही कहना है और गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है मेरी कि एक एग्ज़ाम करवाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि उनको मतलब ये पता तो चले कि 2013 में क्या बलाई थी और 2016 या 18 में आपने रिद्धि वो क्या बलाया है, और ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उनको पता चलेगा क्या हो